पिताजी करा और पता कौन पिता पलीम लाल बेटा साधो, ऐसी कौन सी बात हो गई तेरे साथ जो आज तेरे आंखों में आंसू है? मैं तेरी आंखों को आंसू आज तक नहीं देख सका मेरे लाल। बोल बोल। पिताजी, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात है मेरे लाल? कि कोई शख्स किसी शख्स से एक झूठ बोलता है तो उसके हक में क्या होता है पापा? बेटा, अगर कोई शख्स एक शख्स से झूठ बोलता है तो उसके हद में बहुत कुछ भी होता है और कुछ भी नहीं होता। अगर दोनों बात है पापा तो मैं जरूर बताऊंगा। आप बोलते हो कि बहुत कुछ हो भी सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ मेरे लाल। पापा, मैंने आपसे झूठ बोला है, मैंने झूठ बोला है पापा। क्या एक दिन आप क्या तूने झूठ बोला? हाँ पापा। तो कैसे? एक दिन मैं स्कूल जा रहा था तो चमन में एक लड़की के साथ जब मैं वहां पर बातचीत कर रहा था तो उसी टाइम आप पहुंच गए थे पापा। तो आपने पूछा कि बेटा ये लड़की कौन है, तो मैंने कहा था पापा कि मेरी ये धर्म की बहन है। बस इतना झूठ बोला था पापा। क्या कहा? जब मैंने पूछा तो तूने कहा कि मेरी बहन है, सिर्फ इतना झूठ बोला? हाँ पापा, वो मेरी बहन नहीं थी बल्कि मैं उससे प्यार करता था पापा। मैंने तुझे अपना बेटा माना और तूने मेरे विश्वास का खून किया मेरे लाल।
मैंने तुझे क्या नहीं दिया। जब से मैं तुझे पाया ये बता कि मैंने तुझे क्या नहीं दिया। पापा आपने मुझे सब कुछ दिया, मेरे पास अन्य चीजों की कोई कमी नहीं है। पापा आपने मेरी जरूरतें पूरी की, उसके साथ में मुझे ढेर सारा प्यार दिया, लेकिन मैंने गलती किया पापा, आज उस गलती की सजा मिली मुझे। आज उसी लड़की को एक माधव डाकू मुझसे छीन ले गया है पापा। मेरे लाल, एक माँ माँ के गर्भ में जब किसी का बीज उत्पन्न होता है तो कितने मां रहता है ये बता। आगे बढ़, आगे बढ़। कितने मां रहता है वो गर्भ में। पापा मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि नौ माह रहता है। लेकिन आज तू मुझे ढूंढ के आंसू रुला रहा मेरे लाल। वो माँ अपने लाल को किससे सींचती है? नौ माह गर्भ में रहता है लेकिन किससे सींचती है? पापा वो अपने लहू से सींचती है। पापा लहू से सींचती? हाँ पापा। लेकिन भाई तेरी माँ तो नहीं, लेकिन मैं तेरा सगा बाप भी नहीं हूं, लेकिन मैंने तुझे बाप और माँ दोनों का प्यार दिया है मेरे लाल। दोनों कोई औलाद नहीं थी। मैंने तुझे पाया, मेरे दिल में प्रेम आया और मैं तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। जब पाया था तब तुझे खून के आंसू रोए था, आज तूने मुझे खून के आंसू रुला दिया मेरे लाल। ये चंद्रपाल के दिल में कभी रहम नहीं था और तुझे पाते ही मेरे दिल में रहम आ गया और उस रहम को आज तूने मुझे बेरहम बना दिया। आज मैं तेरी जान ले लूंगा। हमें इस सुर से सख्त नफरत है। मेरा तकिया कलाम है कि मैं जिसे मारता था तकिया लगा के मारता था, आज तुझे इतनी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, यहां तक कि मैंने सोच लिया था कि तेरे लिए मैं अपनी जान हाजिर कर दूंगा, लेकिन तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, इतना बड़ा धोखा दिया कि यार मैं कहीं का नहीं रह गया। मैं तुझे क्या कहूं बेटा, कहूं कि या दुश्मन? पापा और बुझे मेरे पापा नहीं दिना सकता।
अगर जान चाहे मुझे मार डालो, हा पापा, अगर जान चाहे मुझे मार डालो, और नहीं इस तरह से हंटर औलाद अपनी औलाद होती है, दूसरे का खून दूसरे का खून होता है। मैं तेरे खून की आंसू रो रहा हूं, लेकिन वक्त पड़ेगा तो तू मुझे डस लेगा। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे भगाऊंगा नहीं। आज देखता हूं तुझे कौन बचाने आता है यहां पर। मैं तुझे आज जान से मारूंगा। चल तैयार हो जा मरने के लिए। पापा, अगर आप जान से मारना चाहते हैं तो मुझे मार दें, उसका मुझे कम नहीं है। आप मुझे जान से मार दे पापा, उसका मुझे हराम नहीं है। लेकिन कुसुम को छुड़ा पापा शब्द का नाम नहीं लेना। पापा शब्द नाम लेता है तो ये कलेजा फट जाता है, लेकिन तूने मेरे नाम का कच्चा उड़ा दिया। तेरी 16-30 रायपुर लगे, लेकिन तूने उसे सहमत लगा दिया। तूने उस दिन तुझे पाया था तो मेरे आंसू बहे थे, तूने उसकी कीमत नहीं। समझी होती तो तुम उसे झूठ नहीं बोलता। आज ये चंद्रपाल के आंख से आंसू नहीं बल्कि खून निकल रहा है, खून। और मैं
जो मेरे खिलाफ बगावत करता है और जो मुझसे झूठ बोलता है उस चंद्रपाल से चिंता नहीं छोड़ता। आज मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुझे इतना लालन पोषण किया लेकिन जब तेरे अंदर मेरे लिए प्यार नहीं तो मेरे अंदर तो बहुत बड़ा प्यार है तेरे लिए लेकिन तू मेरा दुश्मन बन गया है। हम अपने दुश्मन को कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज हम तुझे जान से मार देंगे। साधो सिंह तैयार। तुझे मेरे प्यार की ममता रो रही है लेकिन ये चंद्रपाल तुझे चिंता नहीं छोड़ेगा। अपने काल को ये चंद्रपाल कभी चिंता नहीं छोड़ा है और मैं अपने काल को अपने मुट्ठी में रखता हूं। मौत चंद्रकाल के हवेली की चौखट पर पहरा देती है। आज तक तुझे नहीं बताया लेकिन आज बता रहा हूं। चल देखता हूं तुझे कौन बचाता है। तैयार हो जा हराम जादे। हाथ मत जोड़। मैंने तूने मुझे खून के आंसू रुलाया है। मैं तुझे जितना प्यार दिया हूं आज तक मैंने किसी को इतना प्यार नहीं दिया। मैं बेताब इंसान था। हमारे दिल के अंदर रहम नहीं था। रहम की नाम की चीज मेरे अंदर थी नहीं लेकिन जब मैंने तुझको पाया तो मेरे अंदर एक ऐसी रहम नाम की चीज उत्पन्न हुई कि ऐसा लगा कि मुझे मेरा पिछड़ा हुआ कभी जन्मों जन्मों का रिश्ता है तेरे से और मैंने तुझे बेटा मान लिया और तूने उसी का फायदा उठाया है। हारा दुनिया के कहे से तो तू बख सकता है लेकिन चंद्रपाल के कहे से तू नहीं बख सकता। मैं साधु जब तुझे लालन पोषण करके इतना बड़ा कर दिया है तो मैं तेरा खून भी कर सकता हूं। हराम चाहते तैयार हो जाऊंगा। पापा आप मुझे मरना ही चाहते हैं। आराम दादे। पापा का नाम दोबारा नहीं लेना। मैं कभी खून किया शुरू हुआ नहीं और तूने मुझे खून क्या शुरू ला दिया। मैं तुझे अपना बेटा नहीं अपनी जान से ज्यादा तुझे मानता था और तूने
एक लड़की के चक्कर में मुझसे झूठ बोला और उससे बहन बोला, कितना बड़ा जुल्म किया तूने हराम। अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो भाग जाए यहां से। पापा आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। पापा चला जा मेरी नजरों के सामने से, और मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मैं दूर चला जाऊं। मेरे हाथ तेरे ऊपर नहीं उठ रहे, चला जा यहां से, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, नहीं ऐसा ना हो कि कहर ढा जाए। पापा मैं जा रहा हूं, जाते जाते मैं आपके चरण धूलि के दर्शन करना चाहता हूं। मैं तो तुझे पलकों पर बिठा के रखता था, लेकिन आज तूने एक छोटी सी गलती करके मेरे मान सम्मान का अपमान किया है। चला जा मेरी नजरों के सामने से। तूने मेरा मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया, अगर मैं तुझे मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी चंद्रपाल नहीं।
बढ़िया है। हाँ बच्चा बढ़िया है। चलो बढ़िया चाहे तेरी काका। काका? हाँ बच्चा। आपके बेटी हुआ कहाँ के काका? हाँ वही कमरों में पहुँची हूँ। कमरों में हम तब पढ़ाई कर रहे हैं। चलो ठीक है काका, इंतजार करो। खैर बिट्टी आउते हुई है। कार्य मदन हो तो चौधरिया गया है कार्य। नहीं ठाकुर साहब, विधायक है, मुख्यमंत्री है, फिर का प्रधानमंत्री है। अरे हम तो एक गरीब किसान है ठाकुर साहब। गरीब कर्जा कब देगा रे ठाकुर साहब? जल्दी चुका देंगे। एक दो दिन कब चुका देगा? एक दिन की कब वादा लिया था? आज कितने दिन हो गए ठाकुर साहब? एक दिन की मोहलत मुझे और दे दीजिए बस। मोहलत नहीं है और मोहलत मिले न तुझको, और मोहलत मिले न तुझको, मदन एक दिन की है मोहलत। मोहलत मिले न तुझको, मदन एक दिन की है, चुकाना पाले तुझको अभी है। चल निकल रुपये निकल, रुपये निकल। आप तो जानते हो कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं इतनी जल्दी कहाँ पे आपको? काहे लिए गरीब पैदा हो गया रे? काहे लिए गरीब पैदा हुआ है? अगर हम तुम जैसे लोगों को कर्ज देते रहेंगे तो तिजोरी तो खाली हो जाएगी। हम एक दिन खुद तुम्हारे जैसे सड़क पर कटोरी लेके भीख मांगेंगे। चल निकाल रुपए निकाल। ठाकुर साहब मैं कहां पे दूं इतने समय आपको पैसे? पैसे नहीं है तेरे पास? नहीं है, नहीं है पैसे। कब देगा? अरे कब देगा रे? हराम चल निकाल पैसे निकाल निकाल रुपए। नहीं तो आज ये चंद्रपाल तेरी जिंदगी में तकिया लगा देगा। चल निकाल पैसे। कहां दूं मैं ठाकुर साहब आपको पैसे? मेरे पास पैसे पैसे नहीं है, नहीं है, नहीं। चल दे पैसे निकल, पैसे दे रहे। कब दे देगा रे?